हेलो गाइस, स्वागत है मेरी और एक नया व्लॉग पे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ। वो एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है नॉर्थ ईस्ट का। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं, वो बॉलीवुड में भी काम कर चुका है। भारती सिंह, राखी सावंत, उर्फी जावत और ऐसे बहुत लोगों के साथ उसने काम किया है। वो एक प्रोफेशनल डांसर भी है, एक्टर भी है, वो बहुत पॉपुलर है। तो उनका घर हमारा घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 आवर का डिस्टेंस है। वैसे तो मैं उनका वीडियो बहुत पहले से देखती आ रही हूँ वीडियो में, लेकिन आज मैं रियल लाइफ में उनसे मिलने जा रही हूँ। तो आई एम फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड। एंड मेरे साथ है माय डियर हस्बैंड। ये चलिए मिलते हैं। Are you excited? Yeah, very much. Okay, मैं भी बहुत ज़्यादा excited हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से मतलब planning कर रही थी उनको मिलने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं भी वहाँ तेजपुर में रहती हूँ इसलिए। लेकिन आज वो मौका आया है, वो opportunity आया है उनको मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी मिलाऊँ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, अभी बजा है 9:30 AM, सुबह का 9:30 AM, तो शायद 10:30 को पहुँचेंगे। एंड वी आर ऑन द वे। तो मैं अभी उनका नाम रिवील नहीं करूँगी शायद, लेकिन किसी किसी को तो पता ही चल गया होगा मैं किससे मिलने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग अरुणाचल यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द ब्यूटिफुल हाईवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत सुंदर है। और साइड में प्लांटेशन भी किया गया है, और उस प्लांट में फेंसिंग भी लगाया है, और उस फेंसिंग में बहुत अच्छा अच्छा मैसेज भी लिखा गया है, जैसे कि से नो टू ड्रग्स या ऐसे बहुत कुछ अच्छा अच्छा मैसेज लिखा गया है। वाओ, और आज धूप भी दे रहा है तो वेदर एकदम क्लियर है। ये देखिए, नाउ वी आर अबाउट टू रीच नामसाई टाउन। दोस्तों, घर से जब निकला था तो रास्ता इतना अच्छा था, और अभी इतना भयंकर रास्ता, क्या बोलूं, ट्रैक्टर में जा रहा है जैसा लग रहा है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओह माय गॉड, मेरा तो एकदम चक्कर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, रास्ता कैसा है। अभी 5 किलोमीटर जैसा हो गया, इतना रास्ता खराब। हम लोगों को पता नहीं था रास्ता ऐसा खराब हो रहा है बोल के। ओह माय गॉड, क्या होगा। इस रास्ते पे हम लोग बहुत दिनों के बाद आया है ना, इसलिए पता नहीं था ऐसा है बोल के। अच्छा रास्ता, बहुत ठीक है, मतलब यहाँ पे रास्ता बन रहा है, 2 लेन बन रहा है क्या? हाँ, थोड़ा चौड़ा कर रहा है। हाँ, 2 लेन ना क्या नहीं पता, लेकिन थोड़ा चौड़ा कर रहा है। पता नहीं कब पहुँचेगा, शाम को पहुंचेगा शायद। ऊपर से मैंने आज ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा नूडल्स खाया था, भात तो खाया नहीं, भूख भी लग रहा है। तो मैं फाइनली अभी पहुंच चुकी हूं, और जिस व्यक्ति से मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूं, वो है नन अदर देन हमारा नॉर्थ ईस्ट का फेमस यूट्यूबर और सेलिब्रिटी मिस्टर मोनू बिकोमिया देवरी। तो मैं अभी उनका गांव पहुंच चुकी हूँ, तो थोड़े ही देर बाद मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को मोनू का घर दिखा देती हूँ। उसने बहुत सुंदर बड़ा घर बनाया है, थोड़ा दिखा देते। आप लोग तो वीडियो में देखते रहता है, फिर भी मेरी ब्लॉग में, मेरे चैनल में आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। और आज देखिए तेज धूप, और ये है मोनू बिकोमिया देवरी का स्वीट सा विलेज। बहुत अच्छा है विलेज, जो सुनसान एकदम शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हवा भी बहुत अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे। उस साइड में पहाड़ है, लाल पहाड़ ऐसा कुछ,
तो लेट्स सी मोनूस हाउस. दिस इज द ब्यूटिफुल हाउस ऑफ मोनू मोनू देवरी. इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. वो बोल रहा है कि आज मिस्त्री नहीं आया. मिस्त्री भाग गया. मिस्त्री लोग ऐसा ही होता है क्या? मिस्त्री लोग बहुत गर्म है इसलिए नहीं आया. गर्म है? हाँ गर्म तो बहुत है रे, काफ़ी गर्म है आज. ये है मोनू का घर. और वो बोल रहा है कि जब ये घर का इनॉग्रेशन होगा हम लोगों को भी बुलाएगा और मैं भी आने की कोशिश करूँगी. ये देखिए. और देवरी लोगों का घर तो जनरली ऐसे सांघर होते हैं तो इसलिए वो सांघर की स्टाइल में बनाया है. ये देखिए. ये देखिए. और यहाँ पे बहुत सुंदर से कुछ प्लांट भी लगाया है मोनू ने. ये देखिए. और यहाँ पे टाइल्स भी लगाया है. और ये कौन है? देहसी. और ये और एक बात मानना पड़ेगा, मोनू को मैं लाइव में ज्यादा हैंडसम दिख रही हूँ. सीरियसली मैं तो पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि हेयर भी स्ट्रेट किया है शायद ना पहले. हाँ मतलब हैंडसम हो गया. नहीं हैंडसम ही था पहले, अभी ज्यादा हुआ है. ये और ये चूल को काटना नहीं चाहिए ना क्या कुछ नियम ऐसा है? नियम से कुछ भी नहीं है. मतलब अच्छा लगता है आप मतलब ऐसे ये जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलेगा और शादी करने का बात तो कहाँ पे अपना बीबी बाल रखने के लिए देगा. ओ अभी उम्र है अपना जिंदगी जीने का. और तो क्या, और भगवान का भी बाल इतना लंबा लंबा है. यस यस. तो मैं क्यों नहीं रख सकता. ओके. फीलिंग लेके. हाँ हाँ. तो उसके बाद जब शादी. वैसे तो आप भगवान का पूरा भक्त हो ना. ओके. और ये है मोनू का मम्मी. हाय आंटी. हाय. और मोनू का मम्मी भी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. मोनू जैसा है उसका मम्मी भी वैसा ही है. मतलब मम्मी जैसा है मोनू वैसा है, इसे बोलना पड़ेगा. हाँ पहले मम्मी. और ये दहेसी. दहेसी. और ये क्या? मोनू का भगवान का घर. भगवान. ओ ईश्वर. पूजा घर ना. ओके. यहाँ से ठीक है. ओ আমাৰ এই মিছিংৰো এনে সাংঘৰতে থাকে আমাৰ মিছিং মানুহ. এই হাফলং পা আহা মানুহজনে মই কৈছে ন আ এটো আগতে এটো আগফা আমাৰ এই মানুহে কৈ যে এটো ঘৰত ঘেৰি কৰিলে ধনী হৈ যায় বুলি. আসলে হা এটো ভাল, এটো বেয়া নহয় নহয়। এবিলা বস্তু, এবিলা বস্তু খালি কাৰাগা বস্তু হয়। এটো আমাৰ এটো শুনে ন ম ন আমাৰ ইয়াতে হুম ন হুমা ভিতৰতে আগঘৰ পৰা আহে আমাৰ ঘৰত যে আমাৰ ঘৰটো আছিলে. ও এটু কিবা খাব পারে নাকি? এটু খাই দে বি ও ইয়া ও এটু এটু বলে ঘরত থাকিব না পায় হয় না পায় ন মানু কিতা এনে মিছা কথা কয়। আচ্ছা এটু আমার এটা জন্ম নহয় দিন পা আছে। ওকে মই ইয়ার উদাহরণ তো দিম। হ্যাঁ এটু বস্তুটো থাকলে মানে ঘরত নেগেটিভ এনার্জি তো আহিব নমারে হয় নাকি? ওকে মানু কিতা এনে কয়, মানু কিতা এনে মিছা কথা কয় যে এটু থাকলে মানে ঘর কানে বেয়া বলে হ্যাঁ তা বেয়াটোয়ে বিচারে। আচ্ছা এটু এটু নাই মানে বি
ये तो ये घर का अच्छा के लिए, और ये घर में अगर जिसका घर पे जिस चीज का घर में नहीं आता है ये चीज, नहीं तो सबका घर में होना था। यस यस यस। तो ये हम लोगों का खुद आया है और गायब हो जाता है फिर से आता है, फिर से आता है, ये हार्म नहीं करता है ना किसी को भी। खाव निकी मैं उलिये खाब पारे निकी खाए रो मीठा निके रुको हम तो हनी है, हनी हनी नहीं ना, एतु काटिले माने आमा कामोरी बाबा ना ना, ये किसी को भी नहीं करता है, नहीं तो किसी को भी नहीं करता। आज से पहले से आज तक मुझे कभी भी नहीं डांका मारा, अच्छा फ्रेंड जैसे हो गया, लेकिन मेरा भैया का मारता है वो बहुत गंदा गंदा बोलता है। यहां पे मैं टैप है, सिर्फ यहां पर देता है उसे ना, जो मोरथी ने उसे ठेले में मुखत गुण, ओ ये तो कुनबा मोरथी ने ने पार्टी से ना, एतु तो भगवान निसिना होय न डांगा बेया कथा कोले माने बिदे बिदे আপনি ভরাব পারে নাখাতে না না এই থালির পাইন মিঠা নাকি ও মিঠা তো ও দিদি বলেই দেখি পোলা না লাগে না কাটি বলে হে হে করে না তো রেডিমেড নাই নাকি দিতে নাই জ্রকে নাই জুন পূর্ণিমা হয় মানে হলে আলো গেলে স্পেশাল গিফট ওকে দিলে মমি পারলে और इसका अभी देखो कल को मम्मी का आखिर बड़ा सबसे जन हो किसान विषय जर जर क्या एरी दिए न बेजी समान बीख है मोबाइल मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल बनागा हम लोग को भी छोड़ा लो आपका वीडियो ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को बता दो यहाँ पे हम लोगों का हनी है यानी कि बीस, और यहाँ पे आस मम्मी मतलब काटा गया है और मम्मी को डंका मारा दो बार, एक मम्मी को यहाँ पे एक डंका मारा, यहाँ पे एक डंका मारा, दो बार मारा है डंका मम्मी को बीस ने। पहली बार मैं इसे देख रही हूँ, इसको जाने दीजिए पहले, मैं डर लगती हूँ, मैं भी थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ। यो मैन गाइस इसको ऐसे खाते हैं, ये इसको पकाता नहीं है ना, कच्चा कच्चा खाता है ये, मैं झूल वाला झूल रोक लो मामा खाई जा यार डाली दिली है वो भाई यार डाल देंगे इट इट ओ ये तो तारे हनी होय ना तारे ओके ओ ये जो पूर्णिमा हला माने ये तो आराम से ये तो टाइम होना है जे हेतु कने नले एकटा मुंगी बिजे तो खाली जी गाइस मैं थोड़ा ये खागे देखती हूं बहुत मीठा, आप भी थोड़ा टेस्ट करके देखिए। बाजार में खरीदने वाला और ये वाला बहुत डिफरेंट है। अब भाई तुम भी खाओ। बाजार में गए तो वो चीनी मिक्स करता होगा, चीनी मिक्स करता था आपको लगी ऐसे आरो भी ले नहीं 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 उड़ा ले इधर पुड़ी बो एक उड़ा ले
बाल के हुआ ना मैंने टाइम लगी बाल लो रस तो और एक बाइट लूंगी हनी देखो हनी का भी एग्जांपल देखो हनी को सभी लोग पसंद करता है लेकिन मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता क्योंकि वो डंखा मारते हैं तो इंसान का शब्द भी ऐसा होता है कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा काम करो उसे सुनाना बंद करो हम लोग अक्सर होता क्या है देख तेरे लिए मैंने ये कर दिया देख तेरे लिए मैंने वो कर दिया तो आपके शब्द आपके कर्म भी अच्छा हो अगर आपका शब्द भी ऐसा डंखा मारने वाला हो तो फायदा नहीं है और आंटी ने मुझे ये हनी भी गिफ्ट किया है प्योर ओरिजिनल हनी भी थैंक यू आंटी थैंक्स फॉर योर लव थैंक्स मोनू टेस्टिंग बाद में आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसका नाम है मोनू और इसका नाम है मोनू मोनू एंड मोनू मतलब ओरिजिनल नाम अलग है लेकिन मैं प्यार से मोनू बुलाती हूँ